तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम किस बारे में बात करेंगे वो टाइटल और थंबनेल में आप देख के समझ गए होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, 2021 के BFA एंट्रेंस एग्जाम का जो पैटर्न चेंज हो चुका है, उस पैटर्न के आधार पे हम जो कॉम्पोजिशन बनाएंगे उसको इसमें बनाएंगे। इस वाले कॉम्पोजिशन में मैं A4 साइज़ का पेपर यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों, और आप ये ध्यान दीजिएगा कि जो आपको एग्ज़ाम में शीट प्रोवाइड किया जाएगा पेपर का साइज़ जो होगा वो होगा A3 यानी कि क्वार्टर शीट लगभग। तो इस बात को आप याद रखिएगा। मैं सिर्फ A4 साइज़ का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास उतना टाइम है नहीं दोस्तों, क्योंकि मुझे और भी काम करना रहता है। मैंने पिछले वीडियो में भी ये बता रखा है आपको, तो इसलिए मैं इस A4 साइज़ का प्रयोग कर रहा हूँ इसमें। और घर पे भी आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। तो और जब आप घर पे प्रैक्टिस करें तो याद रखिए कि आप कॉटेज शीट वाले पेपर का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि वही पेपर आपको एग्ज़ाम में प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप भी उसी पे प्रैक्टिस करें, क्योंकि उससे आपके प्रैक्टिस जब आप उसी पेपर पे किए रहेंगे जो आपको एग्ज़ाम में मिलेगा, तो आपको थोड़ा आसानी होगा उसको समझने में, उसके नेचर को समझने में पेपर के। और इसमें मैं वाटर कलर का प्रयोग करके इस कंपोजिशन को बनाऊंगा। साथ ही साथ मैं ये जो टेप का इस्तेमाल कर रहा हूँ दोस्तों, ये मेरे पिछले वीडियो में जो पिछला वाला कंपोजिशन बना था उसी टेप को निकाल के इसमें प्रयोग कर रहा हूँ, क्योंकि शायद मेरा वो टेप मिल नहीं रहा अभी। खैर, तो सबसे पहले दोस्तों हम इस पेपर को अपने ड्राइंग बोर्ड पे इस तरह से फिक्स कर लेंगे। याद रहे आपको, इस तरह से पूरी तरह से आपको टेप इस तरह से फिक्स कर लेना है। इसको मास्किंग टेप बोला जाता है। अगर आपको नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में इन सभी का लिंक मिल जाएगा। जितने भी मटेरियल्स मैं यूज़ करूँगा उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप परचेस करके उसका यूज़ कर सकते हैं, प्रैक्टिस करें। और याद रहे, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम काफ़ी धीरे धीरे टफ हो गया है, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, तो प्रैक्टिस जारी रखें। तो इस तरह से मेरा पूरा कॉम्पोजिशन इस तरह से ये जो पेपर है बोर्ड पे पूरी तरह से मैंने फिक्स कर लिया। अब आइए इस पे आउटलाइन करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इसमें 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का यूज़ करूँगा। इस कॉम्पोजिशन को बनाने से पहले मैं बता दूँ कि ये जो थीम है दोस्तों, इसमें मैं मान लीजिए कि आपको कुछ इस तरह से थीम दिया जा सकता है कि मान लीजिए आप अपने क्लासरूम में पीछे वाले सीट पे बैठे हुए हैं, वहाँ से आपके आई लेवल पे, आपके पॉइंट ऑफ व्यू पे आपको कौन सी चीज़ें, मतलब जो भी क्लासरूम में चीज़ें दिख रही हैं उसको ड्रॉ करिए अपने आई लेवल, यानी कि आप पीछे बैठे हुए हैं वहाँ से। तो उसमें भी मैं सेम 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का यूज़ करके इसको बनाऊंगा। इसके पहले मैंने 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का यूज़ करके चेस और एक याद नहीं आ रहा मुझे, हाँ एक वुमेन के पर्स के अंदर का जो भी सामान होता है उसको मैंने बनाया था। उसके अलावा एक और कंपोजिशन मैंने बनाया था, मान लीजिए आप एक ड्राइंग बॉक्स के अंदर से जो भी व्यू दिख रहा है उसको, तो उन सभी को मैंने 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का यूज़ करके बनाया था। इसको भी मैं सब उसी प्रकार बना रहा हूँ। सबसे पहले जैसे कि आप उसमें देख रहे हैं 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में, जो ऊपर डॉट है उसी डॉट से मैं लाइंस खींच रहा हूँ, और लाइंस कहाँ तक जाएगा मेरा वहाँ, उसके बाद मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ कुछ इस तरह से। इस क्लासरूम में मैं 2 रो बना रहा हूँ डेस्क और बेंच का, एक इधर लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा, एक राइट साइड में। स्केल हमेशा आप 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, जहाँ पे आपका पॉइंट है उस वहीं से आप स्केल का इस्तेमाल करेंगे। पिछले वीडियो में दोस्तों मैंने शायद आउटलाइनिंग जो करी थी उसमें अच्छे से, मतलब वीडियो में दिख नहीं पा रहा था, तो आप लोगों ने कंप्लेन किया था कमेंट करके। तो इस वाले में मैं थोड़ा सा डार्क पेंसिल को चला रहा हूँ, हालाँकि आप जब यूज़ करिएगा तो थोड़ा सा लाइट पेंसिल का इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि इरेज करने के बाद उसमें रैशेस ना पड़ जाएँ, क्योंकि बाद में आपको उसको वाटर कलर करना होगा। इस तरह से दोस्तों मैं इस बेंच को बना रहा हूँ। याद रखिएगा, जो भी पीछे बेंच हैं और जो भी सामने की बेंचेस हैं, तो पीछे जितने भी बेंचेस रहेंगे वो छोटे होते जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि आप पर्सपेक्टिव में कोई चीज़ देख रहे हैं पीछे से इस तरह से कुछ, क्योंकि आप पीछे बैठे हुए, तो यहाँ से आपके सामने जो बेंच होगा वो थोड़ा सा बड़ा दिखेगा और जो आगे का बेंच होगा वो छोटा दिखेगा। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। तो कुछ इस तरह से मैं इस लाइन्स को बेंच बना दे रहा हूँ। यहाँ से मैं वीडियो थोड़ा सा फास्ट करके, मतलब ये अपलोड कर रहा हूँ आपको, क्योंकि रियल टाइम वीडियो अगर मैं अपलोड कर देता हूँ तो आप लोग उतना पूरा वीडियो देखते नहीं, वॉच टाइम ठीक से आता नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको फास्ट कर रहा हूँ, तो याद रखिएगा। एक बात और दोस्तों, ये इस तरह से मैं इस फिगर को बना दे रहा हूँ। मान लीजिए आपके सामने कोई बैठा हुआ है या बैठी हुई है, तो एक फिगर मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ कुछ इस तरह से, ये एक लड़की है। और ये कॉम्पोजिशन बनाने के लिए दोस्तों मैंने कहीं से रेफरेंस का यूज़ नहीं करा है, कहीं से भी कोई भी रेफरेंस मैंने नहीं लिया है, तो कुछ मिस्टेक मेरे से हो सकता है क्योंकि मैंने इसका प्रैक्टिस भी नहीं करा है। मैं सीधा इसको डायरेक्ट, मतलब कैमरे के सामने ही बना रहा हूँ, तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत कहीं कहीं मिस्टेक हो, उसके लिए सॉरी।
क्योंकि मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, इसका एक बार प्रैक्टिस करता तो मैं आपको और भी अच्छे से बना के बता पाता। तो कुछ इस तरह से दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए एक लड़की ये टेबल पे बेंच पे अपने बैठी हुई है, वो बुक के सामने इस तरह से कुछ उसके सामने देखिए हाथ पे लेफ्ट वाले हाथ पे बुक रखा हुआ है। साथ ही साथ जो जहाँ पर आप बैठे हुए हैं, यानी कि इसमें थीम में आपको बोला जाएगा कि आपके आई लेवल से जो भी चीज़ें दिख रही हैं तो इसमें आपको अपना हाथ भी दिखेगा। तो मैं यहाँ पे पीछे वाले जो सामने वाला बेंच है इस यहाँ पे एक हाथ मतलब मैंने थोड़ा सा बना दिया है ये यहाँ पे कुछ, तो इसको मैं जी हाँ अब अच्छे से बना देता हूँ। और ध्यान रखिएगा जो भी आप आउटलाइन करेंगे उसको अच्छे से मतलब आप बनाएंगे, उसके लाइंस क्लियर होने चाहिए, क्योंकि जितने क्लियर ड्राइंग आपकी होगी, जितने स्पष्ट रूप से आपकी ड्राइंग होंगी, उतना ही अच्छे से आप कलर फील कर पाएंगे। क्योंकि अगर ड्राइंग आपकी सही नहीं होगी तो आप कितने अच्छे से भी कलर करें वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो कुछ इस तरह से दोस्तों, मान लीजिए आपका हाथ है और ये पेन लिए हुए हैं आप और आप कुछ लिख रहे हैं पेपर पे। आगे मैं अभी पेपर बना दूंगा, तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से बना रहा हूँ। मैं अपने ही हाथ का रेफरेंस लेके इस पर बना दे रहा हूँ और इतना आप देख सकते हैं अपने हाथ को किस तरह से बनाना है, उसको आप इस तरह से बना सकते हैं। इस तरह से कुछ एक बुक या कॉपी रखा हुआ है और उस पर कुछ लिख रहा है वो, और इस वाले हाथ को भी मैं यहाँ पे एक बुक के ऊपर रख दे रहा हूँ कुछ इस तरह से। एक बात और दोस्तों, इस तरह के एंट्रेंस एग्ज़ाम के जो भी कोचिंग होते हैं उसमें बहुत हाई फीस देना पड़ता है, वो आपको ये वीडियो सब फ्री में मिल जा रहा है, तो थोड़ा बहुत प्यार दिखाया करिए। चलिए इस वीडियो का हम एक टारगेट रखते हैं, इस वीडियो का टारगेट है दोस्तों 100 लाइक्स, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 100 लाइक्स आपको करने हैं। और अगर 100 लाइक्स जब तक नहीं हो पाते हैं उसके पहले मैं कोई भी वीडियो इसके अलावा अपलोड नहीं करूँगा। तो 100 लाइक्स जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जितना जल्दी आपका 100 लाइक्स हो जाएगा उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूँगा। तो याद रखिए टारगेट है सिर्फ 100 लाइक्स का, ज़्यादा नहीं, क्योंकि उतना भी आप लोग नहीं करते हैं। वीडियो तो सभी लोग देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब भी नहीं करते, तो अगर आपको वीडियो से कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिल रहा है तो उसको लाइक किया करिए, सब्सक्राइब कर दिया करिए, क्योंकि आगे चल के भी ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो कुछ इस तरह से दोस्तों, सामने वाले लेफ्ट वाले जो राइट वाला जो ये रो है डेस्क का, इसको मैं इस तरह से कुछ क्लियर कर दे रहा हूँ आपको। आई होप कि आपको ये दिख रहा होगा, और जो भी बीच की लाइनें हैं वो मैं धीरे धीरे इसको इरेज कर दे रहा हूँ जहाँ मुझे इरेज करना है। तो कुछ इस तरह से ये लड़की जहाँ पे बैठी हुई है, इसका हाथ जिस डेस्क पे है उस डेस्क को मैंने बना रखा है। सामने भी सेम उसी प्रोसेस से मैं उस डेस्क को बना देता हूँ। और 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का आप यूज़ करेंगे तो आपका जो ड्राइंग है बिल्कुल परफेक्ट होगा पर्सपेक्टिव के हिसाब से, याद रखिएगा। तो कुछ इस तरह से दोस्तों, सामने वाला भी मैं इस तरह से मतलब एक सीधे एक डेप्थ में जाता हुआ इसको बना दे रहा हूँ, कुछ इस तरह से आपको दिख रहा होगा। और बात करें दोस्तों एंट्रेंस एग्ज़ाम की, तो जब भी आप एंट्रेंस एग्ज़ाम में जाएं, जो आपके पास मटेरियल्स होने चाहिए उसको अच्छे से आप लेके जाएं। साथ ही साथ आपका जो वाटर कलर है, नोटिफिकेशन में बोला गया है आप किसी भी मीडियम का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वाटर कलर, पेंसिल कलर और क्रेयॉन से भी यूज़ कर सकते हैं, और जो पेस्टल्स होता है उससे भी आप यूज़ करके उसको बना सकते हैं। तो साथ याद रखिएगा दोस्तों, आप जब कोई भी मटेरियल लेके जाएं उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें पहले से ही क्या लेके जा रहे हैं, और कोशिश करें कि जिस मीडियम में आप अच्छा कर रहे हों उसी मीडियम का यूज़ करें आप एग्ज़ाम में, क्योंकि आप अगर पहले से ही जिस मीडियम का यूज़ करेंगे तो अच्छा कर पाएंगे अपने एग्ज़ाम में, आपका उससे तालमेल बना रहेगा अच्छे से। तो कुछ इस तरह से दोस्तों, जो साइड वाली बीच के जो डेस्क के बीच की जो लाइंस थी उसको मैंने इरेज कर दिया और इस तरह से पूरा डेस्क हमारा क्लियर दिखने लगा है। तो ये एक फिगर मेरा तैयार है, अभी कुछ और फिगर्स इसमें मैं ऐड कर दे रहा हूँ। उसके अलावा आप इसमें और भी फिगर्स ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से, एक आइडिया ले सकते हैं आप यहाँ से। ये जो ड्राइंग है दोस्तों, ये सिर्फ आपके आइडिया के लिए है, आप इस तरह से कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं। और क्योंकि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम इस बार होने वाला है उसका नोटिफिकेशन में कुछ जो एग्ज़ाम पैटर्न है, वो जिस तरह से उसमें 3 सैंपल क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं उसी सैंपल क्वेश्चन के आधार पर ये वाला मतलब ड्राइंग मैं बना रहा हूँ, कि आप अपने क्लासरूम में बैठे हुए हैं पीछे वाले सीट पे आपको जो दिख रहा है उसको बनाइए, कुछ उसी तरह से सेम उसी प्रोसेस से दोस्तों, जैसा कि मैंने लेफ्ट में किया उसी तरह से राइट में भी जो भी डेस्क के बीच वाली लाइंस थी उसको मैंने इरेज कर दिया। अब देखिए दोस्तों, आपको ये पूरी तरह से एक डेस्क का रो लग रहा होगा, एक डेस्क का एक लाइन आपको अच्छे से दिख रहा होगा। सेम जैसे मैंने इस तरह से बनाया, सेम उसी प्रोसेस से मैं इधर लेफ्ट वाले भी रो को, यानी कि जो इधर का जो डेस्क है उसको भी बना देता हूँ। और सामने की तरफ एक ब्लैक बोर्ड होगा दोस्तों,
एक बात मैं और बता दूं दोस्तों, थोड़ा सा मैं पीछे जिस चेयर पे बैठा हूँ और जो मेरा मेज़ है थोड़ा सा ऊंचा है, तो मुझे कुछ चीज़ें अपने आई लेवल से ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि मैं उसको सीधा बना रहा हूँ, जबकि अभी मैं मतलब जब वॉइस ओवर कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ब्लैक बोर्ड थोड़ा सा राइट साइड में थोड़ा सा हल्का सा झुका हुआ लग रहा है, क्योंकि मैं जहाँ पे बैठ के बना रहा हूँ इसको वहाँ से थोड़ी सी मुझे देखने में मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैं सीधा बना रहा हूँ उसको। तो थोड़ी बहुत गलती इसी टाइप का मैंने बताया था आपको कि हो जाएगी, तो उसके लिए आप समझ लीजिएगा, थोड़ा माफ़ करिएगा, ठीक। तो इसी तरह से मैं सेम इसी वाले लाइंस को सेम डेस्क, इस तरह का जो डेस्क राइट वाला जो डेस्क है उसी वाले लाइंस को साथ में जोड़ के मतलब इस वाली लाइन को खींच ले रहा हूँ कुछ इस तरह से, और यहाँ भी मैं डेस्क उसी वाले रो में सेम उसी तरह से ड्रॉ कर ले रहा हूँ। और जैसा कि मैंने कहा, फिगर्स और जो ड्राइंग है वो थोड़ा सा आप इधर उधर कर सकते हैं, फिगर्स आप जिस वाले बेंच पे चाहें बैठाना उस पे बैठा सकते हैं, क्योंकि आप पीछे बैठे हुए हैं तो आपके सामने जो भी चीज़ें होंगी वो सभी पीछे से ही मतलब उसके जो पीठ होता है वही आपको दिखेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि सभी लोग आपके सामने देखते हुए रहेंगे, ब्लैक बोर्ड की तरफ देखेंगे, तो आपका जो भी आप और आपको उस सभी को पीछे से ड्रॉ करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरह से दोस्तों लेफ्ट राइट साइड वाला जो ड्राइंग था वो देखिए लगभग कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको अच्छे से दिख रहा होगा, क्योंकि पिछले वाले वीडियो में लाइंस मैंने बहुत ही लाइट वेट का इस्तेमाल करके चलाया था तो आपको अच्छे से दिख नहीं रहा था, तो इस वाले में मैं थोड़ा डार्क चला रहा हूँ। आई होप कि अब आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ रहा होगा सब कुछ। और जैसा कि मैंने कहा, अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, टारगेट है हमारा 100 लाइक्स। तो दोस्तों इसी तरह से इस लेफ्ट वाले रो को भी मैं कुछ इस तरह से बना ले रहा हूँ। स्केल आपका हमेशा उसी वाले पॉइंट पे जाएगा जो आपका डॉट है, जो पहले मैंने रख लिया है वहाँ पे, उसी वाले डॉट से होते हुए आपको स्केल जो भी आप स्केल इस तरह से खींचेंगे वो वहीं से रहेगा, तभी जाके आपका पर्सपेक्टिव का जो ड्राइंग है वो एकदम क्लियर रहेगा, एकदम सटीक होगा। उसके बाद आप उसमें कलर करें किस तरह से वो बाद की बात है। और एक बात और दोस्तों, आपको एग्ज़ाम में 2 घंटे का टाइम मिलेगा तो आप ये कोशिश करिएगा कि लगभग 40 से 45 मिनट के अंदर या तो मैक्सिमम 50 मिनट के अंदर आप अपनी ड्राइंग को कंप्लीट करें, क्योंकि उसके बाद आपको जो कलर करने का जो टाइम है वो अच्छे से थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, तो आप अच्छे से उसको कलर कर पाएंगे। और ये बात बहुत अच्छे से मतलब आप ध्यान रखिएगा कि कलर करते टाइम आपको टाइम की कमी ना पड़े, तो आप अच्छे से इसको ड्रॉ कर लीजिएगा। पिछले बार यानी कि 2020 के पहले जितने भी मतलब एग्ज़ाम हुए हैं उसमें 1.5 घंटे का टाइम मिलता था, 1 घंटे 30 मिनट का। इस बार आपके पास 2 घंटे का टाइम है, थोड़ा सा कॉम्पिटिशन भी टफ़ हो गया है, हालांकि टफ उतना नहीं हुआ है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे, प्रस्पेक्टिव का खेल रहेगा दोस्तों, याद रखिएगा। जिस तरह से इस बार नोटिफिकेशन आया है एंट्रेंस एग्ज़ाम का, सैम्पल क्वेश्चन पेपर जिस तरह से आया है, तो उस हिसाब से आपको प्रस्पेक्टिव के हिसाब से कुछ भी चीज़ें ड्राइंग करनी होंगी, कुछ भी चीज़ जो होगा वो प्रस्पेक्टिव के हिसाब से, जहाँ तक नोटिफिकेशन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, अपने से मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगा, क्योंकि नोटिफिकेशन जिस तरह से है उस तरह से आपको समझ के ये ड्राइंग करनी होगी, और उसी हिसाब से आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो इस वाले को भी मैं इस तरह से बेंच बना दे रहा हूँ। तो इसके पहले दोस्तों थ्योरी का एग्ज़ाम जो था वो हो चुका है, और उसका मतलब कट ऑफ वगैरह भी मतलब आ जाएगा आपके ईमेल पे और आपके मोबाइल पे मैसेज चला जाएगा कि आपको प्रैक्टिकल के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आप शॉर्टलिस्टेड अगर होंगे तो आपको मैसेज चला जाएगा उसका, और जिसको जो शॉर्टलिस्टेड होगा उसको पहले से ही कॉन्ग्रेचुलेसन दोस्तों। और प्रैक्टिकल का एंट्रेंस एग्ज़ाम में डिसाइड होता है कि कौन कितना आगे जाएगा, किसका एडमिशन होगा, किसका नहीं होगा, क्योंकि पूरा खेल ये पूरा जो फाइन आर्ट्स होता है वो एक्चुअली हम लोगों का प्रैक्टिकल बेस्ड होता है, इसीलिए प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम बहुत ही मायने रखता है। थ्योरी का एग्ज़ाम तो थोड़ा सा लाइट आदमी बहुत लोगों का निकल जाता है, जैसे कि थ्योरी के एग्ज़ाम में अगर बात करें पूरे ओवरऑल कंपटीशन की, तो सभी जो कॉम्पिटिशन्स में एग्ज़ाम देने वाले बच्चे होते हैं वो लगभग 16-17 हज़ार बच्चे इस बार फॉर्म भरे हैं शायद, और जिसमें से लगभग 400 या 420-10 करके सेलेक्ट किया जाएगा थ्योरी प्रैक्टिकल के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, और फिर प्रैक्टिकल के एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद लगभग 100 लोगों को सिलेक्शन मिलेगा सिर्फ एंट्रेंस एग्ज़ाम में, सिर्फ 100 लोगों को एडमिशन मिलेगा, ये बात आप याद रखिएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम थोड़ा सा टफ है, और आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और जितना हो सकेगा मैं उतना आपको उतनी नॉलेज और उतने चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा जो भी मतलब आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आसान बनाए। और इस वीडियो में दोस्तों सामने की तरफ जो आप देख रहे हैं वो ब्लैक बोर्ड पे एक टीचर बना दे रहा हूँ मैं कुछ इस तरह से, और वो टीचर ब्लैक बोर्ड पे इस तरह से कुछ लिख रहे होंगे,
आप भी कुछ इसी टाइप का बना सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहें उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि ब्लैक बोर्ड पे जो टीचर लिख रहे हैं वो लेफ्ट साइड कर सकते हैं, राइट साइड कर सकते हैं, आपके ऊपर है। साथ ही साथ मान लीजिए ये क्लासरूम है तो ये दीवार के अंदर होगा, तो मैं इस साइड पे और मतलब राइट और लेफ्ट पे दीवार बना दिया हूँ। अब मैं कुछ बैग बना दे रहा हूँ इसके बेंचेस पे, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। मैं थोड़ा सा लाइट पेंसिल का फिर से इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इरेज भी करना रहेगा इसको। सॉरी दोस्तों, ये मैं बेंच नहीं, एक और मतलब स्टूडेंट इसमें बना रहा हूँ जो कि टीचर को देख रहा है, यानी कि ब्लैक बोर्ड की तरफ देख रहा है, तो कुछ इस तरह से ये बैठा हुआ है। आई होप कि आपको अच्छे से दिख रहा हो। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जा रहा हूँ बार बार कि आपको दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने उसको देखा था बाद में जब मैंने एडिट किया उसके बाद अपलोड करने के बाद, तो ऐसा था कि उसमें मतलब समझ में थोड़ी सी कम चीज़ें आ रही थी। तो इस बार तो मैं कुछ और फिगर्स को बना दे रहा हूँ। इधर लेफ्ट साइड में भी मैं कुछ एक फिगर डाल दे रहा हूँ, और बहुत ज़्यादा भीड़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि आपको उतना ही एलिमेंट्स ऐड करना है, उतनी ही चीज़ें बनानी है जितना आपके टाइम के अकॉर्डिंग आप उसको बना लें, क्योंकि आपके पास सिर्फ 2 घंटे का टाइम होगा, तो आप उतनी ही चीज़ें ऐड करें। जैसे कि फिगर्स जो भी ऐड करें, जो भी बेंचेस आप बनाएं, 5, 6, 7, 10 कितना बना रहे हैं, आपका क्लासरूम, आप क्लासरूम में क्या क्या चीज़ें दिखा रहे हैं, वो मायने रखता है। तो 2 घंटे के हिसाब से आपकी जितनी एबिलिटी होगी आप उसी हिसाब से अपने कॉम्पोजिशन को बनाइएगा, क्योंकि आपका कॉम्पोजिशन अधूरा नहीं होना चाहिए। जो भी एलिमेंट्स आप चूज करें वो कंप्लीट करके आप मतलब एंट्रेंस एग्जाम में दीजिएगा, वो अधूरा नहीं होना चाहिए। तो लेफ्ट साइड में भी कुछ इस तरह से मैं एक फिगर्स बना ले रहा हूँ, वो भी बेंच पे अपना हाथ रखे हुए कुछ इस तरह से बैठी हुई है। इस वाले फिगर में दोस्तों थोड़ा सा मैं हाथ इसका ऊपर की तरफ इसे रेज किए हुए रख दे रहा हूँ, क्योंकि ये मान लीजिए कि टीचर से कुछ पूछना उछना है इसको, तो इस तरह से मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कर सकते हैं आप फिगर्स में भी, और एलिमेंट्स जो भी आप रखें उसमें भी आप इंटरेस्टिंग थोड़ा सा कर सकते हैं। कुछ भी आपको कंपोजिशन अच्छा होने के लिए आप उसको अपने हिसाब से बना सकते हैं। ये इरेजर दोस्तों मैं टोम्बो मोनो 0 का इरेजर यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने A4 साइज़ का इस्तेमाल किया है, तो मुझे इस वाले इरेजर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। मैंने पहले बताया आपको कि आपको जब एग्ज़ाम में आपको जो शीट प्रोवाइड किया जाएगा वो आपको क्वार्टर शीट प्रोवाइड किया जाएगा, इस वाले पेपर का वो 2 गुना होगा शायद, मतलब 2 गुना होगा या थोड़ा सा छोटा हो सकता है उससे। तो कुछ इस तरह से एक मैं इस तरफ एक पेपर बना दे रहा हूँ यहाँ, और एक साइड में, जैसा कि मैंने कहा दोस्तों कि मैं थोड़ा सा पीछे बैठा हुआ हूँ, जिस चेयर पे मैं बैठा हूँ, जो मेरा मेज है, वहाँ से मुझे मेरे आई लेवल पे ऐसा लग रहा है कि मैं ये पेपर को ठीक बना रहा हूँ जो वहाँ पे चार्ट पेपर टंगा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा वो राइट साइड झुका ही हुआ है। मैं अभी वॉइस ओवर करते टाइम मुझे ऐसा लग रहा है। तो कुछ इस तरह से मैं इसको बना दे रहा हूँ, बैग यहाँ पे इस वाले डेस्क पे लेफ्ट वाले में बैग बना दे रहा हूँ, और इधर राइट वाले पे भी मैं कुछ एक बैग बना दे रहा हूँ, और कुछ किताबें मतलब वहाँ पे रखी हुई हैं। तो जिस तरह से मैं बना रहा हूँ दोस्तों, आई होप कि आपको ये आसान लग रहा होगा, क्योंकि आपको इसके पहले अगर डायरेक्ट ये बोल दिया जाए कि मान लीजिए आप अपने क्लासरूम में हैं, पीछे की सीट पे बैठे हुए बनाइए जो भी आपके आई लेवल पे चीज़ें दिख रही हैं, तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाएंगे, थोड़ा आपको टफ लगेगा, लेकिन आप इस प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे तो आप अच्छे से बना पाएंगे उसको। और ये वीडियो दोस्तों बनाने में थोड़ा सा मेहनत लगता है, तो थोड़ा सा ध्यान दिया करिए, आप भी थोड़ा प्यार दिखाया करिए, क्योंकि जितना मुझे ये ड्राइंग बनाने में टाइम लगता है उससे ज़्यादा मुझे एडिट करने में टाइम लगता है। तो कुछ इस तरह से थोड़ा सा आप भी, और इस वाले लेफ्ट वाले में थोड़ा सा मैं किताब, और इस वाले में भी मैं बुक वगैरह और बैग वगैरह अच्छे से बना दे रहा हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि आपको डिटेल में वर्क करना है, थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में वर्क नहीं करना है, लेकिन फिर भी आपकी जो भी ड्राइंग हो वो इस तरह से हो कि वो परफेक्ट लगे, थोड़ा सा रियलिस्टिक लगे, वो ऐसा ना लगे कि बच्चों की तरह आप बना दिए हैं, वो थोड़ा सा मतलब लगे परफेक्ट हो, उसकी ड्राइंग परफेक्ट हो, उसका आउटलाइन। तो कुछ इस तरह से कुछ किताबें वगैरह मैं बना दे रहा हूँ। ऑलमोस्ट दोस्तों मेरी ड्राइंग पूरी तरह से कंप्लीट ही है, मैं इसको अब कलर करना शुरू करूँगा, और जहाँ भी आपको कमी लगे उसको लास्ट में आप उसको अच्छे से बना लें, जो भी चीज़ें आपको ठीक ना लगे उसको भी अच्छे से इरेज कर लें, और अच्छे से उसको कंप्लीट एक प्रोसेस में अच्छे से कर लें। कुछ इस तरह से मैं सभी चीज़ों को हल्का हल्का करके इरेज कर दे रहा हूँ, क्योंकि मेरी ड्राइंग पूरी तरह से कंप्लीट ही हो गई है। तो चलिए दोस्तों हम इसको अब कलर करना शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, क्योंकि ड्राइंग कंप्लीट ही है, ज़्यादा एलिमेंट्स मैं नहीं अपलोड जोड़ूंगा। और एक बात और मैं बता दूँ दोस्तों कि वो पिछला वाला जो मैंने अभी चार्ट पेपर बनाया, ये इसको मैंने इतना कलर कर दिया, उसके बाद मुझे पता चला कि मेरा कैमरा ऑन नहीं था,
तो ये आप देख सकते हैं, ये जो अभी इतनी देर तक मैं आपको बता रहा था, ये है ऊपर ये वाला पेपर, और नीचे मैंने वो जो टेप से फिर से एक फिक्स करके बनाया है, वो सेम इसी को मैं दोबारा उस पर बनाया हूँ, क्योंकि इस वाले को इतना मैंने कलर करा और उसको रिकॉर्डिंग नहीं ऑन किया, वो मुझे इतना बुरा लगा है कि मैं बता नहीं सकता आपको। सेम उसी प्रोसेस से मैं इस वाले पे, मतलब इस वाला जो ड्राइंग आप देख रहे होंगे इस टाइम, ये दूसरा ड्राइंग है, सेम उसी तरह से बना हुआ, इसको मैंने ट्रेसिंग पेपर से ट्रेस करके बनाया है। और किसी भी आर्टिस्ट को, कोई भी बंदा जो अपनी पेंटिंग, अपनी ड्राइंग बनाता है, उसको दोबारा से जब कोई चीज़ ड्रॉ करना होता है तो कितना उसको बुरा लगता है आप समझ नहीं सकते। मुझे ये फिर से, मतलब दोबारा से ड्रॉ करना पड़ा। खैर कोई बात नहीं, चलिए इसको मैंने इरेज कर दिया कुछ इस तरह से। अभी आपको वो चीज़ें शायद अच्छे से नहीं दिख पा रही होंगी, मुझे दिख रही हैं, मैं उसको कलर करूँगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो मैं इस तरह से आपको कलर कर रहा हूँ, ये मैं जो कलर है इसका यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ा सा ग्रीनिश कलर टाइप का है, इसका नाम है पैथलो ग्रीन, याद रखिएगा, पैथलो ग्रीन टाइप का है, ब्रूस्टो का कलर है, याद रखिए, वहाँ साइड में रखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। तो ये कौन सा कलर है, मैंने दोस्तों इसके पहले, मतलब कैमल वाले कलर में इसको नहीं देखा है, कैमल वाले कलर में ये कलर, मतलब ये शेड का कलर नहीं आता है, ये पैथलो ग्रीन, पैथलो ग्रीन क्या, PTHALO इस तरह से ग्रीन करके नाम है इसका। तो मैं कुछ इस तरह से इसको वाटर, मतलब ज़्यादा मात्रा में पानी लेके और इसको इस तरह से कलर अप्लाई कर दे रहा हूँ इसका, और जहाँ भी शार्पनेस है, जहाँ भी चीज़ें आपको, जहाँ भी कलर नहीं करना है, जैसे डेस्क के नीचे, डेस्क के ऊपर और जो टीचर हैं वहाँ, तो आप उसको याद रखिएगा ध्यान में, और इस तरह से कुछ कलर करेंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि वो चार्ट पेपर दोस्तों थोड़ा सा तिरछा लग रहा है मुझे अभी, तो खैर कोई बात नहीं, बाद में मैं उसको ठीक कर लूँगा। तो कुछ इस तरह से इसको ड्राइंग करेंगे, इसको पीछे का मैंने इस तरह से कलर कर दिया ग्रीनिश फिनिश में, और साइड की जो भी दीवार होंगी उसको भी मैं इस तरह से कलर करूँगा। और याद रखिएगा जो भी पीछे की चीज़ें होंगी वो थोड़ी सी डार्क होंगी अकॉर्डिंग टू जो सामने की चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने इस दीवार को बनाया, सामने की तरफ मैंने थोड़ा सा लाइट कर दिया है, पानी से ही उसको ऐसे वॉश करके ऐसे उसको कलर हटा दिया है। कलर हटाते टाइम, जैसे कि इस वाले में देखिए, लेफ्ट वाले साइड में आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं कलर इसको साफ़ कर दे रहा हूँ, इससे आपको ये फील होगा कि वो डेप्थ में गया है, वो जो दीवार है, जो पीछे की दीवार है, वो अच्छे से थोड़ा डेप्थ में है, तो कुछ इस तरह से आपको लगेगा। अब दोस्तों मैं धीरे धीरे डेस्क को कलर कर रहा हूँ। डेस्क को कलर करने के लिए मैं ब्रंट साइना का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ब्रंट साइना में बहुत ही ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करके, बहुत ही लाइट वर्जन लेके ब्रंट साइना का मैं इस तरह से इस्तेमाल कर रहा हूँ, लाइट टोन लेके ब्रंट साइना का। और जहाँ जहाँ भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो भी बुक हैं, जो भी हैंड हैं, उस वाले एरिया को मैं धीरे धीरे, मतलब थोड़ा थोड़ा छोड़ के, उसको वाइट पूरा छोड़ के, बाकी डेस्क जितना है उसको मैं कलर कर ले रहा हूँ। काफ़ी लाइट टोन का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं ब्रंट साइना के। तो कुछ इस तरह से इसी प्रोसेस से सभी डेस्क को हम कंप्लीट कर लेंगे। बाद में जो पीछे की डेस्क हैं उसको थोड़ा सा डार्क करेंगे, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, अभी मैं बाद में उसको मतलब करके आपको बताऊंगा। तो इस तरह से मैं पहले लेयर का जो कलर है उसको इस तरह से इस पर फिल कर दे रहा हूँ ब्रंट साइना का इस्तेमाल करके। तो जी हाँ दोस्तों, ये लगभग जितने भी मतलब डेस्क हैं वो मैंने कलर कर दिया। अब जो भी सामने की जो ब्लैक बोर्ड है उसको मैं ब्लैक कलर का डायरेक्ट, मतलब जो ब्लैक कलर होता है उसी का इस्तेमाल कर, इसमें किसी तरह का मिक्स मैंने नहीं करा है, तो ब्लैक कलर से उस पर, ब्लैक बोर्ड पे इस तरह से वाटर अप्लाई करके ज़्यादा इस तरह से मैं उसको कर दे रहा हूँ। वाटर कलर किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, आई होप कि आपको पता होगा, क्योंकि वाटर कलर कुछ लोग होते हैं जिनको नहीं पता होगा, आप में से भी कई लोग होंगे, तो जो जिनको पता है जो वाटर कलर में यूज़ कर रहे हैं उनको वो अच्छे से समझ पाएंगे कि किस तरह से यूज़ किया जाता है वाटर कलर को। तो कुछ इस तरह से दोस्तों, इसके नीचे का जो फर्श है उसमें मैं कोबाल्ट ब्लू का इस्तेमाल करके हल्का हल्का कर दे रहा हूँ, जैसा कि मैंने बताया कि जो भी पीछे चीज़ें होंगी वो थोड़ी सी डार्क होंगी, तो पीछे का आपको शेड अगर देखने को मिलेगा तो जिस ब्लू कलर का जो शेड है पीछे की तरफ, वो थोड़ा सा डार्क है अकॉर्डिंग टू सामने जो फर्श है वहाँ से। तो इस तरह से इसको हम कलर कर लेंगे, और जो भी मतलब एलिमेंट्स हैं उसको अलग अलग करके कलर करेंगे, जहाँ जहाँ जितनी जिसकी ज़रूरत है, जहाँ पे जितनी शार्पनेस की ज़रूरत है उसको उसी हिसाब से हम कलर करेंगे। ये मैं थोड़ा सा ब्रंट शाइना का इस्तेमाल करके ब्लैक बोर्ड का जो बीट है उसको बना दे रहा हूँ कुछ इस तरह से। उसका जो बॉर्डर है, मान लीजिए वो लकड़ी का होगा, तो उसको मैं बना दे रहा हूँ। बहुत ये मतलब ये सिंगल कलर का इस्तेमाल, ये पहला लेयर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये सभी आप देख रहे हैं जितना, ये पहला लेयर है वाटर कलर में। जैसा कि मैंने कहा, आई होप कि आपको पता होगा, वाटर कलर का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको तीन लेयर्स में काम करने होंगे, जिसमें फर्स्ट टोन, सॉरी, लाइट, मीडियम और डार्क टोन का इस्तेमाल करना है।
तब जाके आपका जो कंपोजिशन है वो अच्छे से निकल के आएगा बाहर। तो थोड़ा सा शेडो बनाने के लिए मैंने वहाँ पे पोस्टर के नीचे कर दिया ब्लैक कलर, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये मैं थोड़ा सा बेंच के साइड में जो भी बेंच जो प्लाई होगा उसका उसको बनाने के लिए इस तरह से थोड़ा सा मतलब डार्क करके इसको कलर कर दे रहा हूँ, और ये ब्रांड साइना का इस्तेमाल करके कर रहा हूँ कुछ इस तरह से। अब इस तरह से आप अगर देखेंगे तो ये थोड़ा प्लाई वुड जो होगा इस बेंच के ऊपर वो अलग अलग लगेगा आपको, और सेम उसी प्रोसेस से इस वुड को थोड़ा नीचे की तरफ भी मैं बना दे रहा हूँ, क्योंकि जो बेंच है उसका स्टैंडिंग जो पॉइंट होता है उस हिसाब से उसको भी ब्रांड साइना का इस्तेमाल करके इसको भी मैं कलर कर ले रहा हूँ कुछ इस तरह से। और आगे की तरफ दोस्तों मैं ऊपर वहाँ मतलब पोस्टर जो था उसको मैं इस तरह से मान लीजिए एक पॉइंट पे टंगा हुआ है तो उसको बना दिया, और नीचे की तरफ ये जो वहाँ जहाँ पे वाइट वाइट छूटा हुआ है इसको मैं ब्लैक कलर से कलर कर दे रहा हूँ। हालांकि मुझे ब्लैक कलर से आप जब करिएगा तो मत करिएगा, थोड़ा सा मतलब मुझे ब्लू कलर का इस्तेमाल करना चाहिए था, इसके नीचे फर्श का इस्तेमाल करना चाहिए था जो फर्श इसमें बना हुआ है उसी का, लेकिन कोई बात नहीं ये भी अच्छा लगेगा। अभी कलर करने के बाद मैं आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा इसको किस तरह से क्या होता है। मान लीजिए कि ये कवर वाला बेंच है जो सामने की तरफ से ढका रहता है, तो इसके अंदर की जो चीज़ें रहेंगी वो थोड़ी सी डार्क मतलब हो जाएंगी जहाँ पे अंधेरा रहेगा, तो मैं कुछ इस तरह से उसको बना रहा हूँ। वही सोच के मैं इसको बना रहा हूँ कि ये सामने की तरफ जो ढका वाला बेंच है उस तरह का वाला बेंच है। हालाँकि ये जो ब्लैक कलर होता है यहाँ पर अगर फर्श वाला कलर होता तो वो और भी अच्छा लगता, लेकिन ठीक है ये भी अभी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा इसको अच्छे से आपको, क्योंकि मैंने आपको बताया दोस्तों कि मैं इसका प्रैक्टिस मैंने नहीं करा है और सर डायरेक्ट मैं बना रहा हूँ, इसका रेफरेंस भी मैंने नहीं लिया है तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो जा रहा है कहीं कहीं पे। मैं आपको बता दूंगा तो आप जब प्रैक्टिस करिएगा तो थोड़ा अच्छे से करिएगा मतलब समझ के, ये एक आइडिया के लिए आपको मैं बता दे रहा हूँ कि इस तरह से आपको एग्ज़ाम में ड्राइंग करना है। तो थोड़ा सा मैं आउटलाइन करते टाइम थोड़ा सा ब्लैक और ब्रांड साइना का ब्लैक ब्रांड साइना और ब्लू कलर का अल्ट्रा ब्लू कोबाल्ट ब्लू या फ्रेंच अल्ट्रा मरीन ब्लू इसका इस्तेमाल करके इसके डार्क वर्जन को निकाल के फिर उसके बाद आउटलाइन इस तरह से बुक को बनाने के लिए मैं कर रहा हूँ। हल्का हल्का बहुत ही लाइट कलर का इस्तेमाल कर रहा हूँ बुक बनाने के लिए, ब्लैक कलर का लाइट वर्जन बिल्कुल लाइट टोन। तो लगभग मेरा जो आउटलाइन है जो मतलब कलर है ये पहला लेयर वाला कलर समाप्त हो गया है। अब इस बैग को मैं कलर कर दे रहा हूँ रेड कलर का इस्तेमाल करके, और इस वाले बैग को भी मैं थोड़ा सा ब्लू कलर से बना दे रहा हूँ। और अब हम टीचर को बनाएंगे। टीचर का जो शर्ट है दोस्तों वो मैं येलो कलर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, याद रखिएगा ये येलो ओकर है और इस येलो ओकर का यूज़ मैं कर रहा हूँ टीचर का जो शर्ट है उसको बनाने के लिए। एक तरफ से लाइट आ रहा है, ध्यान रखिएगा दोस्तों लेफ्ट साइड से जो लाइट है वो लेफ्ट साइड पे है, तो जो लाइट का एरिया है उसको वाइट छोड़ के बाकी जो राइट साइड पे जो भी चीज़ें रहेंगी उसको हल्का सा मैं डार्क करूँगा अकॉर्डिंग टू लेफ्ट साइड, क्योंकि लेफ्ट से लाइट आ रहा है और आपको पता होगा कि जहाँ से लाइट पड़ रही है उसको वाइट छोड़ दिया जाता है वाटर कलर में। तो कुछ इस तरह से मैंने उसका पैंट में बनाया और शर्ट भी उसका बना दिया, और इस वाले जितने भी फिगर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं इन सभी को ब्रांड साइना का लाइट वर्जन लाइट टोन लेके इनके हाथ और इनके जो चेहरे हैं उस पर थोड़ा थोड़ा मैं कलर का एक आभास दे दे रहा हूँ, वो सिर्फ लगता रहे कि वो चेहरे हैं वो बैठे हुए हैं वहाँ पे, तो एक आभास। इस वाले हैंड को जहाँ पे आप बैठे हुए होंगे इस वाले हैंड को भी मैं ब्रांड साइना का इस्तेमाल करके बना ले रहा हूँ। इसको थोड़ा सा क्लियर बनाऊँगा क्योंकि दोस्तों ये सामने की तरफ है और ये थोड़ा सा अच्छे से दिखता रहना चाहिए, तो इसको भी मैं अच्छे से कुछ इस तरह से ब्रांड साइना का इस्तेमाल करके बना ले रहा हूँ। और अब मैं बैग पे सेकंड टोन का यूज़ कर रहा हूँ कुछ इस तरह से दोस्तों, तो अब धीरे धीरे वो अच्छा लगने लगेगा, वो एक 3D इफेक्ट देने लगेगा, लगेगा कि उसी बेंच पे रखा हुआ है। और ये हेयर्स के लिए मैं दोस्तों ब्लैक और फ्रेंच अल्ट्रा मरीन ब्लू और थोड़ा सा ब्रांड साइना का इस्तेमाल करके इसके जो हेयर्स हैं उसको मैंने बना रखा है मतलब कलर कर रहा हूँ उसमें कुछ इस तरह से। और एक तरफ से लाइट पड़ रही है लेफ्ट साइड से, उसको भी ध्यान में रख के आपको कलर करना पड़ेगा। बेंच जो है इसके नीचे इस इधर भी मैं थोड़ा थोड़ा बेंच को जो है उसको भी कलर कर दे रहा हूँ। ऊपर जो भी होगा बेंच वो थोड़ा लाइट होगा, नीचे के जो ब्रांड के वुड बेंच के वुड होंगे वो थोड़े से डार्क होंगे, तो उसको इस हिसाब से मैं कलर कर दिया। और अब दोस्तों इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, और एक बार फिर से मेरा कैमरा ऑन नहीं था, इतना ढेर सारा मैंने बना लिया, सॉरी दोस्तों। एक बार फिर से
क्योंकि मेरा कैमरा फिर से ऑन नहीं था और मैंने इतना सारा इसको बना लिया। वैसे ज़्यादा मैंने नहीं बनाया इसमें, जो भी मैं बनाया हूँ इसमें जो भी कलर्स जिस तरह से फील किए उसको मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक बार शुरू में हुआ था कि कैमरा ऑन नहीं था, जिसकी वजह से मुझे दोबारा से ड्राइंग करने पड़ा इसका पूरा कंपोजिशन। फिर से उसके बाद मुझे इसको कलर करते टाइम फिर से कैमरा ऑन नहीं किया था मैंने, पता नहीं क्या हो गया दिमाग को। चलिए छोड़िए, देखते हैं इसको एक्सप्लेन कर देते हैं हम क्या क्या मैंने किया इसमें। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे इसमें आउटलाइनिंग, जो ब्लैक कलर से मैंने आउटलाइनिंग किया है इसमें ब्लैक कलर का इस्तेमाल करके, और इसको थोड़ा सा ओपेक कलर टाइप का मैंने इस्तेमाल करा है। और इसमें आप देख सकते हैं कि इधर वाला जो लाइन है इधर, ये सभी जितने बेंचेस है इसमें थोड़े थोड़े मैंने ब्लैक कलर का इस्तेमाल करके इसको आउटलाइन कर दिया है। और इस वाले फिगर को जो टीचर यहाँ पे पढ़ा रहा है इसको, इस फिगर को भी मैंने इसमें ब्लैक कलर से इस तरह से आउटलाइन किया। उसके अलावा मैंने इसके कलर को यानी कि येलो, जो लेमन येलो का यूज़ किया है मैंने इस वाले शर्ट पे, और इस पर दोबारा से यानी कि दो शेड्स पे या दो लेयर्स पे मैंने इसमें काम करके इसको बनाया है। और साथ ही साथ इसमें जो ड्रेस इन सब ने पहने हैं, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, इन सभी के जो ड्रेस हैं उस पर भी मैंने ब्लैक कलर का बहुत ही लाइट टोन लेके, बहुत ही लाइट वर्जन लेके कुछ इस तरह से इसको, इस वाले और इस वाले सभी जितने भी स्टूडेंट्स इसमें बैठे हुए हैं सभी के ड्रेस को मैंने इसमें बनाया है। और सभी को मैंने दो तीन लेयर में करने की कोशिश की है, जिससे आपका वाटर कलर जो है, जो इफ़ेक्ट होता है, आई होप कि आपको पता होगा अच्छे से, तो उस वाटर कलर के इफ़ेक्ट को लाने के लिए थोड़ा सा मैंने इसमें दो तीन लेयर से काम कर दिए हैं। साथ ही साथ इस वाले दीवार पे थोड़ा सा मैंने कलर फील करके इस वाले ग्रीन को और थोड़ा सा इसको आउटलाइन कर दिया है जैसा कि मैंने आपको बताया। और साथ ही साथ यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा बेंचेस के, ये जो बेंचेस हुए हैं ये इधर के, इसमें आपको थोड़ा सा शैडो दिखेगा, तो यहाँ पे भी मैंने ब्लू और ब्लैक कलर का थोड़ा सा इस्तेमाल करके इसके शैडो बना लिए, यहाँ यहाँ और यहाँ भी आप देख सकते हैं सेम इसी तरह से इधर भी कर रहे हैं थोड़ा सा। और जो भी पीछे की चीज़ें हैं, जैसे कि ये पीछे वाला बेंच है, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसी यानी कि ब्रंट साइना का इस्तेमाल करके थोड़ा थोड़ा और इसको डार्क कर लिया है अकॉर्डिंग टू इस वाले अगर बेंच को आप देखेंगे और इस वाले बेंच को देखेंगे तो ये थोड़ा सा आपको डार्क लगेगा और ये डार्क, फिर उसके बाद थोड़ा सा लाइट यहाँ से होते हुए यहाँ पे पूरा का पूरा लाइट आपको देखने को मिलेगा। इस तरह से आप जब इसको मतलब बनाएंगे, इस तरह से कलर फिल करेंगे तो क्या होगा कि जो पीछे की चीज़ें हैं वो थोड़ा सा डार्क रहेगा और सामने की चीज़ें थोड़ा लाइट रहने की वजह से वो चीज़ आपको एक दूसरे से आभास कराता रहेगा कि वो एक दूसरे के पीछे हैं और साथ ही साथ एक क्यूब मतलब एक प्रस्पेक्टिव में आपको अच्छे से वो दिखता रहेगा कुछ इस तरह से। और बात करते हैं इसके सोर्स ऑफ लाइट की, तो दोस्तों जैसा कि इसके शर्ट पे आप देखेंगे, इस टीचर के शर्ट पे देखेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे सभी के शर्ट्स पे देखेंगे तो सोर्स ऑफ लाइट दोस्तों यहीं कहीं है, यानी कि इसके लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड से जो भी सोर्स ऑफ लाइट पड़ रहा है उसके हिसाब से डायरेक्ट लाइट जहाँ भी पड़ रहा है वहाँ पे हम वाइट छोड़ देंगे, जैसे कि इस तरह से इसमें वाइट छोड़ा गया है। साथ ही साथ इस साइड पर थोड़ा थोड़ा शेडो करके कलर कर दिया है मैंने, जैसे कि आपको इसमें दिख रहा होगा, इधर से इधर भी थोड़ा सा आपको डार्क दिख रहा होगा इधर भी। शर्ट अमूमन सभी कॉलेज में मतलब वाइट कलर के मैक्सिमम जो भी शर्ट होते हैं कॉलेज में पहने जाते हैं, तो मैंने वाइट कलर का इस्तेमाल वाइट कलर के शर्ट को दिखाने के लिए हल्का सा ब्लैक कलर का इस्तेमाल करके इसके शेडो को बनाया है, जैसा कि आपको इसमें दिख रहा होगा पहले मैंने बताया है। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ब्लू कलर का इस्तेमाल किया है इसके शर्ट के बाँह पे जो होता है, यहाँ पे और इस वाले शर्ट को जहाँ की जो कि आपको जो बोला जा रहा है क्वेश्चन में, कि मान लीजिए कि आप अपने कॉलेज में अपने पीछे वाले बेंच पे बैठे हुए हैं और वहाँ से अपने कॉलेज अपने क्लासरूम का जो भी आपको दृश्य, जो भी आई लेवल पे आपको चीज़ें दिख रहे हैं उसको बनाइए, तो यहाँ पे मान लीजिए आप बैठे हुए हैं, ये आपका हाथ इस तरह से आपको दिख रहा है, बुक का भी मैंने इसी तरह से कुछ डिज़ाइन बनाया है, साथ ही साथ आपका जो हाथ है इस तरह से मैंने बना दिया है। और जैसा कि मैंने बताया कि ये जो ब्लू कलर का वहाँ पर मैंने बनाया है यहाँ पर, तो यहाँ भी मैंने थोड़ा सा ब्लू कलर का इस्तेमाल करके, क्योंकि सोर्स ऑफ लाइट दोस्तों इधर से है, तो यहाँ भी मैंने वाइट छोड़ा है, इधर से थोड़ा सा शेडो कर रखा है। यहाँ भी आपको शेडो देखने को मिलेगा, बुक का भी शेडो और साथ ही साथ यहाँ इस बैक का भी शेडो इस तरह से कुछ आपको देखने को मिलेगा। ये बेंच इस वाले ब्लू कलर का इस्तेमाल अगर यहाँ पर कर दिया जाता तो शायद और बेहतर रहता, ये थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गया है कि ये वाला जो ब्लैक कलर का इस्तेमाल मैंने करा है यहाँ पे और इधर, अगर मैं इसी वाले ब्लू यानी कि जो फ्लोर का मैंने जो फ्लोर का कलर किया है उस वाले फ्लोर के कलर से ही अगर इसके नीचे का वर्जन रहता, इसके नीचे का जो कलर है वो रहता तो थोड़ा सा और बेहतर रहता, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, ये भी अपने आप में काफ़ी अच्छा है।
और यहाँ पे जो ब्लैक कलर है, मान लीजिए कि ये जो बेंच, कुछ उस तरह के बेंच होते हैं जो आगे से भी इस तरह से ढका रहता है, तो उस तरह का बेंच आप समझ सकते हैं। इस वाले बैग को भी मैंने इधर से थोड़ा सा शेडो कर दिया है, और यहाँ यहाँ और यहाँ थोड़ा सा शेडो करना बाकी है। मान लीजिए वो पोस्टर है, थोड़ा सा चिपका ही रहेगा, लेकिन फिर भी लाइट सोर्स ऑफ लाइट की वजह से थोड़ा सा मैं इसको इस तरह से कर ले रहा हूँ, ताकि ये भी थोड़ा सा अपने आप को फील दे। ब्लैक बोर्ड में भी मैंने दोस्तों, यहाँ आप देखेंगे थोड़ा सा शेडो है, यहाँ पे नीचे शेडो है, टीचर का भी शेडो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको आई होप कि दिख रहा होगा अच्छे से, और कुछ इस तरह से इस तरफ भी मैंने शेडो बनाया है। और जैसा कि मैंने कहा कि जो पीछे की चीज़ें हैं वो थोड़ा सा डार्क होगा अकॉर्डिंग टू सामने की जो भी चीज़ें हैं, जो नज़दीक जो चीज़ें हैं वो, तो यहाँ पे भी इस वाले कलर को मैंने थोड़ा सा ब्लू कलर का इस्तेमाल करके इस पर कर दिया है। और दोबारा से एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ किस तरह से, क्योंकि मेरा कैमरा ऑन नहीं था, सॉरी उसके लिए फिर से एक बार। तो यहाँ मैंने कुछ इस तरह से जैसे ब्लू कलर का इस्तेमाल करा है, और सामने की तरफ आते आते थोड़ा सा लाइट हो जाएगा तो वो आभास देता रहेगा कि वो पीछे है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इस तरह से जैसे कि पीछे की चीज़ें हैं थोड़ा सा, बाकी इधर से लाइट आप छोड़ देंगे तो वो एक गहरे, मतलब गहरे गहराई में जा रहा है, प्रस्पेक्टिव आपका अच्छे से दिखता रहेगा उसमें, तो समझ जाएंगे आप उसको, और एक अच्छा कॉम्पोजिशन आपका बन के आएगा। तो इस तरह से दोस्तों कुछ आप कॉम्पोजिशन कर सकते हैं, ऑलमोस्ट दोस्तों पूरी तरह से कॉम्पोजिशन कंप्लीट है। अब टीचर की बात करें तो थोड़ा सा हाथ पे यहाँ पे रह गया है, तो इस तरह से थोड़ा सा इसको भी बना देते हैं। टीचर देखिए, अब ब्लैक बोर्ड है दोस्तों, थोड़ा सा ग्रे हो चुका है, तो ब्लैक बोर्ड पे अमूमन चॉक से ही लिखा जाएगा। तो अगर आपके पास वाइट कलर का जेल पेन हो तो उससे आप यहाँ से कुछ लिख सकते हैं जो भी टीचर लिख रहा है, क्योंकि वाटर कलर के नियम के अनुसार अगर आप को वाइट कलर चाहिए तो आपको पूरा का पूरा पेपर वाइट छोड़ना होता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ भी इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि अगर वाइट यहाँ पे मुझे छोड़ा जाएगा तो वो वाइट, जैसे कि कोई भी लेटर्स अगर लिखा जाएगा तो वो वाइट छोड़ते टाइम थोड़ा सा मुझे मतलब दिक्कत होगा इसको बनाने में, इसलिए मैंने उसको कुछ लेटर उसमें लिखा नहीं है। आप उसको लेटर किसी भी जो वाइट जेल पेन से लिख सकते हैं, मेरे पास जेल पेन है, मैं एक बार आपको लिख के बता रहा हूँ, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। तो ये सकुरा का, ये दोस्तों सकुरा का जेल पेन है कुछ इस तरह से, और ये कुछ इस तरह से काम करता है। मान लीजिए यहाँ पे आप ए प्लस बी स्क्वायर ऐसे ही कुछ आप लिख दीजिए, पता नहीं मैंने मैथ पढ़ा है तो मुझे तो जहाँ तक याद है इसका आंसर यही होगा, आई होप कि आपको याद हो। आप अपने अपने हिसाब से लिख दीजिएगा जो भी आपको समझ में, आई होप कि आपको दिख रहा होगा इसमें मैंने क्या लिखा है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, बहुत चर्चित चीज़ें हैं ये, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। ब्लैक बोर्ड थोड़ा सा दोस्तों ग्रे हो चुका है तो उसको मैं थोड़ा सा लिख दिया हूँ, तो क्या हुआ थोड़ा सा मैं ब्लैक कर ले रहा हूँ, थोड़ा और वो रियलिस्टिक फील देगा कुछ इस तरह से। कुछ इस तरह से मैं थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड को थोड़ा सा और ब्लैक कर ले रहा हूँ, तो वो और थोड़ा सा बाहर की तरफ निकल के आएंगे जो टीचर्स वगैरह हैं और जो भी लेटर्स हैं उस पर, उसको मैं जब बनाऊँगा अभी जी। तो अमूमन दोस्तों हमारा ड्राइंग पूरी तरह से कंप्लीट हो ही चुका है, क्योंकि अब मैंने कैमरा ऑन नहीं किया था तो मुझे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना पड़ रहा है कि मैंने इसमें क्या क्या किया। अगर आप पिछली वीडियोज़ को देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मैंने किस तरह से कलर करके आपको बताया है, तो उस तरह से अगर आप कलर करेंगे तो ये भी कलर हो जाएगा। थोड़ा सा मुझे इसके पहले मैंने कलर कर रखा था, लेकिन थोड़ा सा मतलब कैमरा ऑन ना होने की वजह से इतना आपको एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, अगर ऑन होता तो मैं आपको बता देता। मैं दोबारा से इसको नहीं ड्रॉ करना चाहता, क्योंकि दोस्तों एक बार मैंने पहले भी कैमरा ऑफ करके इसको पूरा का पूरा ड्रॉ कर दिया था, फिर उसके बाद फिर से ड्रॉइंग करनी पड़ी मुझे, तो कुछ इस तरह से आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। हेयर्स के लिए मैंने नहीं बताया आपको, हेयर्स में भी अगर आप देखेंगे तो तीन लेयर्स का मैंने इस्तेमाल किया है। एक तरफ इधर से अगर आपका लाइट पड़ रहा है तो इस तरफ आपका जो शेडो होगा कुछ इस तरह से इस वाले एरिया में पड़ेगा। तो याद रखिएगा इसको कुछ इस तरह से बनाना है, कुछ इस वाले एरिया में, यहाँ यहाँ। तो फाइनल दोस्तों लगभग हमारा ऑलमोस्ट ड्राइंग कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि इस तरह का थीम BHU के अंदर आ सकता है, तो इसको आप इसी तरह से बनाएंगे तो आपका BHU क्रैक होने की संभावना है दोस्तों। जितना आपको बनाया गया है इसका डेली आप कोशिश करें, डेली आप प्रैक्टिस करने की, क्योंकि एंट्रेंस जैसा कि मैंने बता रखा है पिछले वीडियो में काफ़ी टफ है, तो इसका आप प्रैक्टिस करें अच्छे से, और एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।